आदाब, आज कुकटेन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स ब्राउनी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ब्राउनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बादाम, 1 कप अखरोट, 1/2 कप काजू, 1 बड़ा कप हम लेंगे खजूर, इसके हमने बीज निकाल लिए हैं, 1 चम्मच चिया सीड्स लेंगे, 1 चम्मच अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स लेंगे और 1/2 कप कोको पाउडर भी लेंगे। एक मिक्सी जार में हम बादाम को, अखरोट, काजू डालकर एक बारीक पीस लेंगे हम इन सबको मिला के। अब इसी पाउडर में हम चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स डाल के बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है इन सभी चीज़ों को। अब खजूर को भी लेंगे और मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। खजूर भी हमने पीस लिए हैं, अब इस पाउडर को इस खजूर के साथ भी मिक्सी में अच्छे से एक चक्कर चला लेंगे। साथ ही कोको पाउडर को भी डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा सभी। ये देखिए सभी सामान मिक्स हो चुका है, अब हम इसको एक बटर पेपर पे निकाल लेंगे। देखिए हमने बटर पेपर के ऊपर अपने मिक्सचर को निकाल लिया है, अब इसको अच्छे से दबा के सेट कर देंगे। बटर पेपर को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया, ये सेट हो चुकी है। अब इसको बटर पेपर हटा देंगे इस ऊपर से। ये देखिए हमने बटर पेपर हटा दिया है, अब इसके ऊपर हम थोड़े कटे हुए बादाम पिस्ते स्प्रिंकल कर देंगे, अच्छे से इसको दबा देंगे। अब इसके हम चौकोर पीसेस काट लेंगे। मीठा खाने के शौकीन लोग बहुत होते हैं, लोग बाग इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है और हम घर पे आसानी से बना सकते हैं इसको। ये टेस्टी होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें हमने चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की है, बिल्कुल शुगर फ्री है ये। ये देखिए हमने ये काट लिया है, इसके छोटे छोटे पीस करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।